बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसिज हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत मज़ेदार चटपटे पकोड़े बना रही हूँ। टी टाइम स्नैक्स में पकोड़े कद्दू के बना रही हूँ, लौकी जिसे कहते हैं, जो लंबा कद्दू होता है उसको लौकी कहते हैं, और उसके बना रही हूँ। और गोल कद्दू जो है उसे चने की दाल और मुख्तलिफ चीज़ों में रायते वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। लौकी का बहुत मज़ेदार बनता है ये टी टाइम स्नैक्स में, आप बनाकर देखें तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी होते हैं और दूसरा फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं, तो आप इंशाल्लाह बनाएं। आप जैसे आलू के बनाते हैं, बैंगन के बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के बनाते हैं, तो कद्दू के भी बनाकर ट्राई करें, बहुत अच्छा होता है ये भी। इंशाल्लाह ये भी आप पसंद आएगा। और मैंने ये लंबा कद्दू लेकर और इसको ऊपर से छिलका उतारने के बाद इसका गोल स्लाइस काट लिए हैं। ये दो अदद कद्दू थे, तकरीबन आधा किलो था और कटिंग होके थोड़ा सा कम हो गया होगा। और इसके अलावा मैंने एक बाउल छोटा जो है वो बेसन का लिया है, जो मैंने इसमें डालना है। और बेसन के अलावा फिर मैंने इसमें मसाले डाल रही हूँ, जो उसमें मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। चिली फ्लेक्स जो हैं वो तकरीबन ये 1.5 टेबलस्पून है, और अजवाइन है 1 टीस्पून है, और ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, और ये सूखा जो धनिया होता है उसका पाउडर है ये 1.5 टेबलस्पून है, नमक 1 टेबलस्पून है। ये सारे मसाले डालेंगे, और इसके अलावा हरा धनिया डलेगा जो बारीक काट कर मैंने ये एक बाउल में रखा हुआ है, ये एक बाउल डलेगा। और पानी के साथ इसको मिक्स करना है, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा जो होता है उससे ये बहुत क्रिस्पी बन जाते हैं। ये तो बेसन है, बेसन के अलावा हम इसमें चावल का आटा भी शामिल करेंगे। एक बाउल मैंने बेसन का लिया था, एक बाउल ही ये चावल का आटा है, ये इसमें शामिल करना है। और चावल का आटा शामिल करके फिर ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। मसालों के साथ ही धनिया भी डाल देंगे, और फिर इसको पानी से हमने जो है इसको बैटर तैयार करना है। बैटर जो है वो बहुत पतला नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना, क्योंकि डिप करना है हमने, तो डिप करने के लिए ऐसा बैटर तैयार होगा कि डिप करना आसान हो जाए और बह के उतरे भी नहीं, यानी कोटिंग हो जाए। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको पानी से घोलते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते करते इसको घोलते जाना है, और जब लगे कि ये कोटिंग हो रही है और ये जो चम्मच है इसको लगा के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसके ऊपर से उतर नहीं रहा और बह नहीं रहा, बहने वाला नहीं बनाना, ऐसा बैटर तैयार करना है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, और जो इसमें लम्ब्स वगैरह हैं उनको भी साथ इस तरह पीसते जाएंगे और ठीक करते जाएंगे, ताकि गुठलियाँ ना बने और ये अच्छे तरीके से बैटर तैयार हो। मैंने तकरीबन एक गिलास पानी लिया था, थोड़ा सा बाकी रह गया है, और अभी मैं इसको बना रही हूँ। और ये देखिए अभी थोड़े पानी की और ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह साथ साथ इसको मिक्स करके बराबर करते जाएं, बैलेंस करते जाएं, ताकि पानी हर जगह एक जैसा ही रहे। और इस तरीके से ये देखें, ये अभी बहुत गाढ़ा है, इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह कोटिंग होने वाला बैटर तैयार हो जाए। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से इसमें चमचा फेरते जाएंगे, क्योंकि जो इसमें चावल डाले हैं वो पानी जज्ब करते हैं, चूस लेते हैं पानी, और पानी जो है वो कम होता जाएगा, इसलिए हम इसको साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ चेक भी करेंगे पानी की ज़रूरत है कि नहीं। अब ये देखिए इसको चम्मच के साथ जब हम यूँ लगाएंगे तो ये चम्मच से उतरेगा नहीं, इतनी आसानी से नहीं उतरेगा, ये कोटिंग हो गया, यानी इस तरह का कि कोटिंग जब होगा तो इसका मतलब होगा कि अब उसके लिए कद्दू के लिए लौकी के लिए ये ठीक रहेगा। फिर इसको एक पीस हम चेक भी कर लेते हैं, ये इस तरीके से डालकर ये देखिए ये पीस जो है ये इसके ऊपर से यानी उतर के गिर नहीं रहा, इस तरह हमने डिप करके फिर फ्राई करना है। तो ये हो चुका है तैयार, और इस मुकाम पे हम इसका नमक वगैरह चेक कर लेंगे कि नमक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नमक जो हमने नमक डाला है बिल्कुल मुनासिब है, यानी इसको ना किसी चीज़ की भी अब ज़रूरत नहीं है। और अब इसको हम तलने के लिए रेडी हो गया है, इसको 10 मिनट रखेंगे और उसके बाद तलना शुरू कर देंगे। एक कढ़ाई में मैंने इस तरह हाफ कढ़ाई मैंने कुकिंग ऑयल की ली है, और इसके अंदर अब डिप करके हम इसको कढ़ाई में उतारते जाएंगे और ये तलते जाएंगे,
और ये देखिए इस तरीके से कोटिंग करेंगे और बार कढ़ाई में रखते जाएंगे। ये देखें इस तरीके से दोनों साइड से, इसको भी इस साइड से भी करेंगे, इस साइड से भी, और इस तरह रखते जाएंगे आराम से। दोनों साइडों की चेक करेंगे कोटिंग हो गई है कि नहीं हुई, क्योंकि आसानी से नहीं इस पर ठहरता, ये हमने दोनों साइड को चेक करना है कि इस पर लग चुका है दोनों साइड पे कि नहीं, और फिर इसके अंदर कढ़ाई के अंदर हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए जब तक हम खुद उसको ज़बरदस्ती ना लगाएं तो ये नहीं लगता, इसको लगाने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लापरवाही से नहीं यानी ध्यान से। ये देखिए दोनों साइडें इस तरह कोटिंग हो जाए, उसकी कढ़ाई में उतार दें। लौकी के बहुत मज़ेदार पकौड़े बने हैं, आप भी इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। सब आपसे पूछेंगे रेसिपी और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम हमेशा बनाएंगे, जब आपको लौकी नज़र आएगी घर में आप इसके पकौड़े बना सकते हैं। और कोई ये मुश्किल नहीं, थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स से ये सारे काम को हमने प्रोसेस को किया है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं हुई, थोड़ी सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई और इतने मज़े की चीज़ बन गई। लौकी के पकौड़े मेरे तैयार हो गए हैं और ये देखें एक पूरा प्लेटर भर के बन गया है और दो लौकी थी और इतने सारे पकौड़े बन गए हैं और वो भी मीडियम साइज़ की थी, ना बहुत छोटी थी ना बहुत बड़ी थी, दरमियानी साइज़ की, वरना बड़ी तो बहुत बड़ी भी होती हैं। तो ये तकरीबन आधा किलो के करीब थी, दो लौकी थी और इससे अंदाज़ा लगा लेंगे वो कितनी छोटी थी। तो उससे इतने सारे पकौड़े बने हैं और साथ मैंने दही की चटनी भी बनाई है और ये साथ जो है वो रेड सॉस भी बनाया है, ये दोनों सॉस जो हैं इस पकौड़ों के साथ सर्व होंगे और सर्व करने के लिए साथ आप चाय भी रख सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स हैं इसलिए चाय के साथ आप दे सकते हैं, जूस के साथ भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। और आपको इस तरह की नई नई अच्छी अच्छी रेसिपीज बताते रहेंगे और मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।